कौशल सेवन, इधर देखो ध्यान से। ए चाचा, इधर देखो ना, क्या मिलता पीछे देख के? तो आगे देखो, कुछ मिलेगा। चलो सी नॉट प्लस C1 ऐसे कर लेते हैं क्या? सी नॉट का क्या वैल्यू है? टू सी वन, 5 का पावर 1, नहीं 5 का पावर 0। हाँ 3C2, 5 पावर 1 प्लस, यहाँ 3 की है ना, 5 पावर 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 की है, 5 पावर 1 करना पड़ेगा। सही तो जा रहा है सवाल। 4, कुछ भी होगा सवाल तो बन ही जाएगा। 4 times 6 C3, 5 का पावर 3। 5 times C4, 5 का पावर 4। एंड सो ऑन n+1 times of cn, 5 का पावर n। इसको जोड़ना है, क्या लगता है कर लोगे? yes, खुद करोगे? yes, समय खराब करोगे तो मेरे को बताओ, मैं करूँगा। दो मिनट का टाइम दिया, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो मैं बनाऊँगा। मैं इसको ऐसे करूँगा, क्या मैं जानता हूँ 1+x^n क्या होता है? ये आप जानते हो क्या? मैं तो जानता ही हूँ, आप जानते कि नहीं जानते ये मसला है। जाना था वो क्या होता है? आए ई हो बता है SCR (x^r) का समेशन। आए अच्छा, आप यहाँ जो जनरल टर्म है वो क्या है? R+1 times of CR, 5 का पावर r, ये है ना। अगर आपको ये R के बदले यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो यहाँ R ही आएगा। आपको क्या चाहिए? R+1, तो उसके लिए आपको ये पहले R+1 करने पड़ेगी, तो उसके लिए आपको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो उससे ये R+1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो x, तो लिखना जरूरी है क्या मल्टीप्लाइंग x बोथ साइड? नहीं लिखूंगा तो भी कर दूंगा तो आपको चल जाएगा ना। x(1+x^n) = summation CR(x^r+1). नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट u(v) का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? अरे u(v) का डिफरेंशिएशन होता है u को कांस्टेंट रखे, v को डिफरेंशिएट करो, v को कांस्टेंट रखे, u को डिफरेंशिएट करो। ये बात आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया ना। u को कांस्टेंट रखे, v को डिफरेंशिएट करो, v को कांस्टेंट रखे, u को, बहुत ही सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को क्या कर देंगे पहले कांस्टेंट रख देंगे, इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या लिखेंगे n(1+x^n-1) (1+x^n) को क्या कर देंगे कांस्टेंट, x को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। x का डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना होता है लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखो आगे, समेशन ऑफ सी आर x^r, R+1 इधर आएगा, R+1 times of CR, x^r कितना? देखो ये x के बदले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Now put x = 5 in both sides, we will get the answer. Put x = 5, बोलो 5n 6 का पावर n-1 प्लस 6 का पावर n = R+1 CR 5 का पावर r का सिग्मा। यही चाहिए था क्या? मिला? कितने लोगों से खुद बना था और कितने लोगों को अब समझ गया, कितने लोगों को अब भी नहीं समझा? सबको समझ गया है? झूठ बोल रहे हो ना आप लोग? नहीं बोल रहे हो? दूसरा मेथड देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते? देखना चाहते? एक और तरीका इसका बता दूं? देखो मेथड 2, ये मेथड के पैसे नहीं है, मैंने फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं। मेथड 2 वो क्या है? देखो आपको जो चाहिए वो है SN का वैल्यू क्या दिया है? समेशन ऑफ R+1 times of CR 5 का पावर i,
क्या बोलते हो, सही लिखा है? सही लिखा है, पक्का ना? एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर सी आर फाइव का पावर आर। कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था, प्लस सी आर फाइव का पावर आर, क्या बोलते हो? Yes, सही बात है? Yes, नहीं बात है? Yes, सही बात है ना? ओके okay. क्या आपको ये करते आएगा? Yes, नहीं आएगा? Yes, नहीं आएगा ये करते? Yes, और फिर ये करते आएगा? Yes, ये क्या है? सी आर पाँच का पावर आर है, तो वन का पावर कितना? एन माइनस आर। ये तो सीधा सीधा छः का पावर एन लिखा है। Yes, यही लिखा है? क्या है? तो एक कम कर देंगे, एक टर्म इधर भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी कम करना पड़ेगा। उधर तो माइनस वन हो जाएगा। यहाँ सीरीज कहाँ चालू हुआ है? वन से, तो वन से कितना तक? एन तक। तो ये वन से एन तक, वन से एन तक, एक टर्म इसको जीरो से एन तक करो और फिर उसमें से एक टर्म क्या कर दो? माइनस कर देना। तो ये तरीका आपको आता है करते हैं? क्या अब कर पाओगे? करो। क्या हाँ, यहाँ वैल्यू जीरो से, जीरो से एन रहेगी। ये जीरो से एन होता है, ये भी जीरो से एन रहेगा, ये जीरो से एन रहेगा। तो अगर आपको वन से एन करना है तो इसका एक टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखने से इसको जो चाहिए आपको उसमें से वन वन वाला टर्म हटा दीजिए, यानी जीरो रखिए इसमें। जीरो रखने पर क्या आएगा? ये वन। और सी वन का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, सी जीरो का वैल्यू होता है वन। तो इसमें से एक कम आपको करना पड़ेगा, तो ये कम जो किए हो वो इधर लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा? सिक्स एन और माइनस वन का एक प्लस वन। ये माइनस वन यहाँ से डिसअपियर हो गया, ये आपका सही आंसर। अच्छा, दोनों साइड माइनस करना है? हाँ, ये इक्वल टू ये है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म गिना गया, तो वो माइनस कर देंगे, तो इधर भी माइनस कर देंगे। हाँ, आप सही है। पर अभी सही कैसे हो सकता है? आपको कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ ठीक कर देते। ये जीरो से एन तक, ये जीरो से एन तक, ये जीरो से एन तक। आपको क्या चाहिए? वन से एन। तो अगर आप वन से एन करते हो तो इधर क्या करना पड़ेगा? प्लस वन करना पड़ेगा। अब सही हुआ, अब ये प्लस वन इधर से डी से पी आर होकर के माइनस वन आएगा। ये सही आंसर। इसको करो, ये करो, या ये इसको घर में करना फ्री टाइम में, नहीं तो इसी क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। अब है बाय इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। अगर इसे जीरो से वन तक इंटीग्रेट करना हो तो क्या करते हैं? जीरो वन, अपर लिमिट पहले वन पुट करते, क्या आ जाएगा जी? वन बाय एन प्लस वन, अब माइनस जीरो बाय एन प्लस वन, यही होता है जी। करते आता है क्या आपको इंटीग्रेशन? सबको आता है? चलो क्वेश्चन देखो, कितना नंबर का क्वेश्चन होगा ये? एट। सी नॉट बाय वन प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री प्लस सी थ्री बाय फोर एंड सो ऑन सी एन बाय एन प्लस वन इक्वल टू कितना? अब जरा सोचो, अगर यहाँ सी टू है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर भी रहा होगा। सोचो,
अगर सी टू आया तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, तो ये थ्री नीचे मिला हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन की डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यूज करते हैं, और डिवाइड किया जाए तो क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन की यही प्रक्रिया होती है कि पावर जो होते हैं वो नीचे डिवाइड में हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन करो, उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप जानते हैं 1 + x^n कितना होता है, बोलो, c0 + c1x + c2x2 + c3xu एंड सो ऑन cn x^n। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना जरूरी है, पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करते रहते हैं यार ये लोग, गड़गड़ बोलो, 1 + x^n का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, सी नॉट का इंटीग्रेशन, सी नॉट एक्स चौंक है क्या है, ये अपनी पुरानी जानी पहचानी चीज है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्स होता है, c1 x^2 / 2 c2 / 3 c3 / 4 एंड सो ऑन cn x^n + 1 / n + 1। क्या लगता है अगर इस सीरीज को ऐसा करना चाहते हो तो x की वैल्यू 1 पुट करना चाहिए, पर इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट का जरूरत होता है, लोअर भी और अपर भी, तो क्या रखो, क्या रखोगे, लोअर लिमिट 0 रख दो, लोअर लिमिट 0 रख दो, अपर लिमिट 1 रख दो, तो उससे ये कार्यक्रम ऐसा हो जाएगा 0 से 1। देखो 1 रखने पर ये सीरीज मिल जाएगा, क्या है वो, c0 + c1 / 2 + c2 / 3 एंड सो ऑन cn / n + 1। अब माइनस सब में 0 रख दोगे, सारे 0 हो जाएंगे, लिख देंगे 0 एक पल के लिए, और 1 + x^n का इंटीग्रेशन होता क्या है, 1 + x^n + 1 / n + 1, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज व्हाट, 1। चलो अपर लिमिट पुट करो, 2 का पावर n + 1 / माइनस, अरे हट, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का पावर n + 1 / n + 1, तो -1 / n + 1, तो डायरेक्ट -1 यही कर दूं, = c0 / 1 + c1 / 2 + c2 / 3 एंड सो ऑन cn / n + 1। अच्छा क्या ये +1 - 1 आपस में कट सकते हैं, अगर ऐसा काटा तो आप बेवकूफ हो, वो नहीं होता, समझा क्या करना है, एक बार और समझा दूँ, बाबड़ी पूछ लंबड़ी पूछ, फिर से हाँ भी बोलता है, मेरे को पूछना ही नहीं था, क्या एक बार और समझा दें, आपको समझ गया है तो आंखें बंद करो अपनी, मैं समझाऊंगा भाई, देखो ए c0 / 1, c0 जानते हो क्या होता है, c0 / 1, c1 / 2, c2 / 3, c3 / 4 एंड सो ऑन cn / n + 1। अच्छा इसमें अगर ये c2 है तो एक्स स्क्वायर भी रहा होगा, या यहाँ c3 है तो एक्स क्यूब भी रहा होगा, बोलो कैसे शर्मा जी, बोलिए तो, c3 है, c3 है तो एक्स क्यूब क्यों रहेगा, ओके आप बताओ जी, फिर से बोलो, बात तो सही है पर बहुत गलत तरीके से बोले, अरे यहाँ c3 है तो मतलब x क्यूब भी तो रहेगा, ओके x क्यूब को इंटीग्रेट करें, x^4 / 4 आने वाला था, तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, इंटीग्रेशन अपनाना चाहिए, दो तरीके हमारे पास, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो हमें क्या अपनाना है, हमारा काम इंटीग्रेशन से होगा, तो इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड, तो आप ये 1 + x^n के बारे में जानते हो, c0 c1x c2x2 c3x3 cn x^n का समेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 + x^n का इंटीग्रेशन, अभी लिमिट नहीं डिसाइड किया हम, लिमिट बाद में किया था, इसका क्या होगा, c0x c1x2 / 2 c2x3 / 3 c3x4 / 4
एंड सो ऑन सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. आपको सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए. तो x हटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए x के बदले क्या पुट करना चाहिए, 1. तो इंटीग्रेशन में दो लिमिट होते हैं, लोअर और अपर दोनों. तो इसलिए अपर लिमिट क्या पुट कर दिया, 1. तो 1 पुट करने से वो सीरीज मिल जाएगा, और लोअर लिमिट क्या पुट करना चाहिए ताकि सब खत्म हो जाए, वह 0. तो झंझट खत्म हो जाएंगे ना. तो 0 पुट कर दिया लोअर लिमिट, तब इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया लोअर 0, अपर हो गया 1. अब इसको इंटीग्रेट किया, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी 1 बाई 2. अपर लिमिट इसमें 1 पुट किया तो ये वैसा हो गया जो चाहिए था, और लोअर लिमिट 0 पुट किया तो सारे ही टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में x है, तो ये 0 हो जाएगी. तो ये वाली सीरीज इक्वल टू ये वाली सीरीज सेम कॉपी पेस्ट इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. अब माइनस जब 0, जब 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1, 1 का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय एन प्लस 1. समझा ये बात? पर इसे ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है. इसका एक आसान सा तरीका जो यूज़ करते हैं हम लोग वो ये है. देखो जरा, आप जानते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होता है, समेशन ऑफ सी आर एक्स टू द पावर आर, यही होता है जी. आपको क्या चाहिए, नीचे आर प्लस 1 चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को, क्या कर दो, जीरो से कहाँ तक, 1 तक. क्या हो जाएगा ये सी आर, इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसी का होगा क्योंकि सी आर का तो कोई रोल नहीं इंटीग्रेशन में. क्या होगा ये, ऐसे एक्स टू द पावर आर का इंटीग्रेशन. अगले ही पल इसको लिख दूंगा, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कितना जी, अपॉन एन प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इक्वल टू, बोलो, समेशन ऑफ सी आर एक्स टू द पावर अपॉन, अपना काम हो चुका है, अपर लिमिट क्या पुट करना है, 1, और लोअर लिमिट, ये सीरीज मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, ये समेशन ऑफ सी आर बाय आर प्लस 1. क्या इसी को जोड़ना था, क्या इस सीरीज का जनरल टर्म यही है, क्या है इसका, सी आर बाय आर प्लस 1, एन अट्टा एन बाय एन प्लस 1. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 का पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1. तो सोचना ऐसे है, पता आपको ये चाहिए लेकिन करना ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, ये हल्की है, इसको करो. इसमें प्रोसेस करना आसान है, छोटा है. कितना जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 9? सी नॉट बाय 1 बाय प्लस सी 1 बाय 2 5 स्क्वायर प्लस सी 2 बाय 3 5 क्यूब एंड सो ऑन सी एन बाय एन प्लस 1 5 का पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, बोलो, करो जरा. ये कितना होगा,
जनरल टर्म क्या है उसका, क्या है सी आर बाय आर प्लस वन फाइव टू दी पावर आर, आर प्लस वन तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा आर सी आर एक्स टू दी पावर आर, इंटीग्रेट कर दो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू सिग्मा ऑफ सी आर एक्स टू दी पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करना है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए पाँच होनी चाहिए, तो अपर लिमिट क्या रखना पड़ेगा पाँच, लोअर लिमिट खत्म करने के लिए जीरो, तो यहाँ लोअर लिमिट क्या जीरो अपर लिमिट फाइव, इसमें भी जीरो पुट करो इसमें पाँच पुट करो, तो आप पहले इंटीग्रेशन का लिमिट मत लगाओ यहाँ लगाना लिमिट, बोलो कितना होगा छः का पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू सिग्मा ऑफ सी आर बाय आर प्लस वन फाइव टू द पावर आर प्लस वन। आ गया जी कि नहीं आया, कितने का खुद से आया बहुत लड़कों का आ गया ग्रेट। क्वेश्चन टेन, टेन में क्या सीन है जी, इसमें ऐसा वन प्लस एक्स टू ये डिफरेंशिएशन से बनेगा इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन से बनेगा, इसमें आप वन प्लस एक्स टू दी पावर एन खोलो और बोथ साइड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाए। क्वेश्चन टेन में जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म है आर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी आर, इसी का सिग्मा है ना जी, मतलब इसका सिग्मा निकालना है, तो आप वन प्लस एक्स टू दी पावर एन ओपन करो, वो क्या होता है सिग्मा ऑफ सी आर एक्स टू दी पावर आर, आपको आर प्लस टू चाहिए तो आप बोथ साइड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे आपका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, अब करते आएगा कि मैं करूँ, इसके बाद डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है वन पुट करना है, हो गया काम डिफरेंशिएट एंड पुट एक्स इक्वल टू वन, हिंट इतना है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में क्या सीन है, मैं बना दूँ आप बनाओगे, ये तीन नहीं है वो पाँच माइनस दो है, वो थ्री को फाइव माइनस टू देखना है, सिर्फ प्लस वाला चीज को देखो तो वो जीरो से फाइव तक इंटीग्रेशन है, हाँ माइनस वाली चीज़ को देखो तो जीरो से टू तक इंटीग्रेशन है, तो एक काम कर दो ये पूरी सीरीज आपको इससे मिल जाएगी, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन को इंटीग्रेट कर दोगे दो से पाँच तक तो आपको यही सीरीज की प्राप्ति होगी, करके देखो दो से पाँच तक आपको इंटीग्रेट करना। फोर्थ नंबर में क्या सीन है, मतलब ट्वेल्व में, ट्वेल्व का भी हिंट दे दूँ क्या, खुद बनाओगे बनाओ, नहीं बनाओगे हिंट भी नहीं चाहिए तो फिर कैसे चलेगा काम, सी आर प्लस टू सी आर का समेशन लगाओ, ये समेशन जानते हो क्या, बहुत बार यूज होता है और ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये टू पावर एन होता है और ये समेशन तो अभी भी किया ना, इसी से तो काम शुरुआत हुआ था, आर सी आर का समेशन, आर सी आर का समेशन करते थे डिफरेंशिएशन से मिलता है, क्या होता है वो, ये इसका समेशन आता है n इंटू टू का पावर n माइनस वन, और इसका समेशन आता है टू इंटू टू का पावर n, यानी टू का पावर n प्लस वन आ जाएगा कुल मिलाकर, ये हो गया आंसर, समेशन ऑफ सी आर एक्स टू दी पावर r यही होता है, डिफ्रेंशिएट करो क्या मिल जाएगा n इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एन इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू सी आर, आर इंटू एक्स टू दी पावर आर माइनस वन, यही करना है आपको, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वो नहीं पता उसको, एन इंटू एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इक्वल टू समेशन ऑफ आर सी आर तो रहेगा ही रहेगा, आर माइनस वन भी आ जाएगा और एक्स टू दी पावर आर माइनस टू, अब क्या करो, अब क्या करो पुट एक्स इक्वल टू वन पुट करो, ये मिल जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू का पावर एन माइनस टू इक्वल टू वही चीज़ जो आपको चाहिए, आर माइनस वन इंटू आर सी आर, सेकेंड वाला, अरे दस वाला बोलो क्वेश्चन टेन,
क्वेश्चन टर्म कहाँ बनाया मैंने? हाँ तो एक टर्म यहाँ माइनस कर दो, अगर इसे वन से एन करोगे तो आपको प्लस वन एक लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको इतने की जरूरत थी, दिस इंटू दिस प्लस टू, तो ये जो कुछ लिखा है उससे माइनस टू होगा। पूरा करने के बाद